काउंटडाउन शुरू हो चुका है, अलार्म बज चुका है और अब से चंद सेकंडों में ही ये भ्रष्टाचार की बड़ी इमारत मलबे में तब्दील हो जाएगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरी दो ट्विन टावर्स को सफ़ेद और काले रंग के कपड़ों में लिपटा गया है। आसपास की जितनी छोटी इमारतें हैं वो सभी खाली हैं और उसके अलावा पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। आप देख सकते हैं एक धमाका और चंद सेकंड में, केवल 12 सेकंड के अंदर पूरी 29 और 33 फ्लोर वाली दो बिल्डिंगें धराशायी हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आसमान में धुएं का गुब्बार, आप देख सकते हैं, आप जहां तक नज़र जाएगी आप देख सकते हैं पूरा धुएं का हर तरफ गुब्बार है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जिसको जहां जगह मिली उसने इस ऐतिहासिक पल को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की है। लाइव हिंदुस्तान ने भी आपको हर पल हर क्षण पिछले 3 दिन से लगातार आपको पल पल का अपडेट दिया। देखिए दोनों बिल्डिंगें धराशायी होने के बाद धुएं का गुब्बार देखा जा सकता है। आसपास सुपर टेक एमराल्ड की जितनी भी इमारतें हैं वो धुएं के मलबे के धुएं में इस वक्त कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं जिसको जहाँ जगह मिली उसने इस ऐतिहासिक पल को अपने कैमरे में कैद किया। मैं यहाँ बताना चाहूँगा जिस जगह हम खड़े थे जिस वक्त ये धमाका हुआ, ठीक हमारे पैरों के नीचे वो कंपन महसूस हुई, ज़बरदस्त धमाका हुआ और महज 11 से 12 सेकंड के अंदर दोनों इमारतें मलबे में तब्दील हो गई। आप देख सकते हैं ये एक्सप्रेसवे है जो यमुना एक्सप्रेसवे है। पुलिस भारी संख्या में यहाँ पुलिस बल है और इस वक्त पूरे इलाके को बंद कर दिया गया है। सड़कें बंद हैं, यहाँ पर किसी के भी आने जाने पर रोक लगी हुई है। नोएडा के दोनों ट्विन टावर्स गिर चुके हैं और इस वक्त हम हैं जेपी महामाया फ्लाईओवर के ऊपर। आप देख सकते हैं इस वक्त साफ सफाई का काम शुरू हो चुका है। नोएडा प्राधिकरण के लोग यहाँ मलबा हटाने के बाद उसके बाद जो कुछ धूल मिट्टी जमी है उसको हटाने का यहाँ काम कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में नोएडा प्राधिकरण के कर्मचारी इस वक्त यहाँ जेपी फ्लाईओवर के ऊपर जो कुछ मलबा धुआं यहाँ आसपास के इलाके में फैला है उसको हटाने का काम लगातार किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कई इलाकों में इसको बांटा गया था, अलग अलग टीमें असाइन की गई थी जिन्होंने मौके पर इस पूरे काम को अंजाम दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ लोग उस दौरान मौजूद थे जो इस ऐतिहासिक पल का गवाह बने। उसके अलावा आप देख सकते हैं नोएडा प्राधिकरण की टीमें यहाँ लगी हुई हैं लगातार मलबे के अलावा जो कुछ भी इस दौरान यहाँ कचरा और बाकी चीज़ें थी उन्हें हटाने का काम किया जा रहा है।